الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم بزرگان محترم و برادران عزیز اور میرے بہت ہی عزیز پیارے طلبہ دعا فرمائیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلا لے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم اور مدرسہ کی نسبت پر ہمیں جمع کر دیا قرآن کریم کا یہ معجزہ رہا ہے یہ کرشمہ رہا ہے کہ کیسے کیسے انسانوں کو اور کہاں کہاں کے انسانوں کو جوڑ دیا آپ کہاں کے رہنے والے میں کہاں کا رہنے والا لیکن ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت بھائی سن لیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا ایک مدرسہ ہے وہاں جانا ہے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنا فضل فرمایا جتنا شکر ادا کروں میں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مدرسے میں مجھے پہنچا دیا اور یہ مہمانان رسول کی زیارت کرا دی بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ سب سے زیادہ مالدار لوگ آج مجھے مل گئے مالداروں کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ تو خرچ بھی ہو جاتا ہے تو کم ہو جاتا ہے دنیا سے جائیں گے تو یا چھوڑ کر چلے جائیں گے کچھ لے کر نہیں جائیں گے اور ان کی دولت پر لڑنے والے لڑیں گے اور جھگڑیں گے ان حضرات کے پاس جو دولت ہے وہ یہ کہیے کہ ابدی دولت اللہ تعالی نے قرآن کریم کے حفظ کرنے کا موقع دیا قرآن کریم کو حفظ کر لیا یہ لوگوں نے تو یہ قرآن کو حفظ کر لینا جنت کی نعمتوں کو اپنے سینے میں دبا دینا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی جنت تیرے ابا کی جاگیر ہے کیا آرام سے بیٹھا ہوا کوئی عمل ومل نہیں کرتا جنت تیرے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ لوگ جنت کے جاگیردار ہیں
ये कुरान करीम में जो काले काले हरूफ नजर आते हैं, इन हरूफ को कल जन्नत की हवाएं जब लगेगी तो ये जन्नत की नेमतों से और फलों से और फूलों में तब्दील हो जाएगी। तो यह पूरी जन्नत की नेमतों को अपने सीने में दबा रखा, हमें इसका पता यहां नहीं चलेगा, इसका पता जो है वो ऊपर जाकर आखिरत में जाकर। इन उफास से बड़ा मकाम भी तो किसी का नहीं होगा ऊपर, इन्हीं को तो कहा जाएगा कि इकरा वर्तक वरतिल कमा तुरतिल फि दुनिया फइन मंजिलका इंद आखिर आयतिन व कमा काल अलैहि सलाम। ए हाफिज कुरान को अल्लाह बुलाएंगे और जन्नत में कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा, और ऐसा पढ़ना जैसा दुनिया में तू ठहर ठहर कर रुक रुक को रुक रुक कर खूबसूरत पढ़ता था वैसा ही पढ़ और चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी वहां तेरा दर्जा और ठिकाना। तो सबसे ऊंचे रुतबे के कोई लोग हैं तो ये कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वाले। दुनिया में भी तो सबसे ऊंचे रुतबे के होते हैं, अगरचे हमको इसकी कदर नहीं होती। भाई कल का बच्चा जो हमारे गली महल्ले में पढ़ता था खेलता था, आज हाफिज कुरान हो गया, कल मेहराब सुनाएगा, तरावी में खड़ा हो जाएगा आगे। हमको तो जहां जगह मिलेगी, चटाई पर मिल जाए तो ठीक, पत्थर पर मिल जाए तो ठीक, लेकिन ये हजरत इमाम साहब बन जाएंगे और इमाम साहब के लिए कितनी जानमाज़ें बिछी होगी, दो तीन। बड़े से बड़ा मालदार आएगा, वो कहेगा कि भाई मालदार साहब आगे तो उनको आगे रख दो, ये बच्चा जो हाफिज है इमाम इसको पीछे कर दो, इसकी मजाल है नहीं, इनको अदब से ले जाकर रखा जाएगा। मालदार पीछे पैर पूछने की जगह पर जगह मिलेगी, खड़े रहना पड़ेगा, ये रुकू में ले जाएगा जाना पड़ेगा, ये सज्दे में ले जाएगा जाना पड़ेगा, ये सलाम फिरवाएगा इसको सलाम फेरना पड़ेगा, नहीं करेगा तो मुंह पर लानत बना के मारी जाएगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इज्जत दी, कब्र में भी इज्जत होगी, कि जब अजाब आएगा कब्र में तो ये कुरान चारों तरफ से दिफा करेगा, डिफेंस करेगा, जिधर से अजाब आएगा उधर ये चला जाएगा, आखिरकार अजाब भी थक कर चला जाएगा, कुरान करीम इसकी हिफाजत करेगा। तो दुनिया में भी इज्जत, कब्र में भी इज्जत, आखिरत के अंदर भी इनका मकाम। तो बतलाइए इनसे ज्यादा खुश नसीब कोई है? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो कुरान के पढ़ने वाले बच्चे हैं आप इनको देख रहे हैं, इनको देखना भी आपके लिए सवाब का बाइस। ये यहां पर आए नहीं है, ये यहां पर आए नहीं है, इनको लाया गया है। मोहतबिक साहब चंदा करने नहीं गए थे बंदों का, बस तकरीर कर दी, ऐलान कर दिया आ जाओ, लेकिन आप वालिदैन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह ने दिल में डाला बच्चे को मदरसा भेज। असल बात यह है कि कुरान करीम को जो नाजिल किया तो पूरी दुनिया के इंसानों में से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में वो सलाहियत देखी थी, इसलिए आपको मुंतखब कर लिया, पसंद कर लिया कुरान के नाजिल करने के लिए। कुरान को उतारने के बाद, नाजिल करने के बाद कुरान के हिफाजत का मसला, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए अपने कुरान को दुनिया में बाकी रखने के लिए इन औलादों को कबूल फरमाया, इनके दिलों में वो सलाहियत देखी कि हाँ ये वो जमात है, हाँ ये वो जमात है, ये कुरान को संभाल सकेंगे, अल्लाह ने इनके मुकद्दर में लिख दिया, इनको पसंद कर ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे, चुने हुए बंदे बारी ताला के, कि अल्लाह ने कुरान करीम की तालीम के लिए इनको कबूल किया और अल्लाह की मदद के, अल्लाह की ताईद के सबसे बड़े मुस्तहिक और हकदार भी यही लोग हैं। और अच्छे बंदे,
अल्लाह फरमाते हैं लहू अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हम इस कुरान करीम को अगर पहाड़ों की चट्टानों पर उतार देते तो पहाड़ की चट्टानें चूरे चूरा हो जाती कुरान की अजमत की वजह से। एक मिसाल बयान फरमाई, कुरान इतनी अजमत वाला है कि पहाड़ पर उतार दिया जाता पहाड़ के बरखचे हो जाते। आपने नाम सुना होगा हमारे औलिया अल्लाह और बुजुर्गों में से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के आगे, जिनको गौसे पाक के नाम से याद किया जाता, अपने जमाने के बहुत बड़े वली अल्लाह। एक मरतबा जंगल से गुजर रहे थे, देखा कि कुछ बच्चे हैं जिनको मार पिटाई हो रही है, वो बच्चे चिल्ला रहे, मदद के लिए बुलाया। बच्चों ने पहचान लिया कि हजरत एक हजरत आइए हमें छुड़ाइए। बच्चों ने कहा हजरत ये लोग हमको मारने और मारने वाले लोग ईसाई है। कौन है? ईसाई लोग है, यहूदी लोग है, ये मार रहे हैं। भाई क्यों मारते हो? तो कहा हजरत ये इसलिए मारते हैं कि ये कहते हैं कि तुम मुसलमानी को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, हमारा मजहब इख्तियार कर लो। हमने इनसे दलील पूछी कि तुम्हारे मजहब के हक होने की दलील क्या है? तो कहा तुम्हारी मस्जिदों को देखो, फटी पुरानी, हमारे इबादत खाने उसको गिरजाघर कहते, गिरजाघर, हमारे गिरजाघर को, हमारे इबादत खाने को देखो कितने मजबूत और खूबसूरत है, और तुम्हारी मस्जिदों को देखो यहां से फटी हुई, वहां से टूटी हुई। ये हमारे मजहब के हक होने की दलील है कि हमारे इबादत खाने खूबसूरत है। अच्छा, ये तुम्हारी इमारत की मजबूती, ये दलील हक्कानियत की? लाओ तुम्हारा गिरजा घर इबादत खाना मुझे दिखाओ, मुझे ले चल। अगर न फरमाया, हजरत को लेकर चले इबादत खाने में, गिरजा घर में। हजरत उनके इबादत खाने में पहुंचे और बीच और दरमियान में खड़े रहकर ये आयत पढ़ी, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله। यह आयत पढ़कर गिरजा घर को इशारा किया, गिरजा, समझ रहे हैं? गिरजा घर को इशारा किया, गिरजा, इतना कहना था कि पूरी इमारत गिर गई। हजरत ने कहा बेवकूफो, इतना कमजोर इबादत खाना, वो हमारी फटी पुरानी मस्जिदें रोजाना कुरान सुनती है लेकिन फटती टूटती नहीं है, गिरती नहीं है। अब बताओ अल्लाह की मदद किसके साथ है, मस्जिदों के साथ है या तुम्हारे इबादत खानों के साथ? अगर यही दलील है कि इमारत मजबूत तो तुम्हारी इमारत मजबूत नहीं। एक दिन आयत पड़ी और इमारत ढेर हो गई, हमारी मस्जिदें रोजाना सुनती और गिरती नहीं, पता चला अल्लाह की हिफाजत और मदद इनके शामिल हाल है। इसी तरीके से अब ये कुरान पढ़ने वालों को देखो कैसे गामा पहलवान जैसे नजर आ रहे। अरे कैसे नजर आ रहे हैं, कोई बड़े हिप्पोपोटेमस जैसे तो नहीं नजर आते? कैसे दुबले पतले, बकरी का बच्चा भी मजबूत होगा, उससे ज्यादा कमजोर। कुरान पढ़, न रोजाना बादाम खाने को मिल रहे, न काजू खाने को मिल रहा, न कोई ताकतवर चीजें खाने को मिले। चाहिए तो ये था इनके दिमाग उड़ जाते, इनके सीने फट जाते। इतनी अजीम किताब अपने सीने में उतार ली, कम सोकर कम खाकर अपनी मस्ती में मगन है और कुरान करीम को याद कर लिया, पता चला कि अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत के सबसे नंबर अव्वल के हकदार और मुस्तहिक कोई है तो ये कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले। मैं मुबारकबादी देता हूं उनके वालिदैन को, उनके गार्जियनों को, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने का फैसला किया। भाई अच्छे वालिदैन कौन है हमारी नजरों में? अच्छे माँ बाप, अच्छे वालिदैन दुनिया में उनको कहा जाता है जो बच्चों को अच्छी रोटी खिला दे, अच्छा खाना खिला दे, दो चार दुकान दे दे, दो चार खेत बागात दे दे, बहुत अच्छा बाप है, खूब पहनाता है, खूब खिलाता है, खूब उड़ाता है,
हमारी तारीफ होगी ना उसकी, नहीं ये तो सब फना होने वाली चीज है, ये वालिदैन अच्छे नहीं। खैर दे दिया तुम्हारी औलाद की, तुमने दिया, कोई एहसान नहीं किया। नहीं, सबसे अच्छे माँ बाप कौन है? हम कुरान से पूछते हैं। खुद कुरान करीम ये कहता है, एक वाकया बयान किया जो आयतें मैंने पढ़ी थी, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो एक जलील कद्र पैगंबर है, ये पैगंबर का जब इंतकाल होने लगा तो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जमा किया, और जमा करके बड़ा अजीब सवाल किया, बहुत अजीब सवाल किया, और कहा इन काल अली बनी मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बच्चों ये बतलाओ मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये सवाल भी ये नहीं पूछते कि बेटा कैसे कमाओगे, कैसे खाओगे, वरना मरने के वक्त बाप बुलाकर क्या कहता है हाथ पकड़कर, देखो मेरे बच्चों मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, मैंने सबकी अलग अलग दुकान कर दी है, अलग अलग खेत भी कर दिया है, कोई बेटा देखो एक दूसरे पर जुलम न करे, इत्तेफाक से रहना, लड़ना मत, ये फिक्र होती है। और जितने मेहनत कर रहे हैं उनसे ये कहो कि भाई क्यों इतनी सारी मेहनत, मौलाना साहब मेरी जिंदगी तो गुजर गई रूखी सूखी खाकर, ये औलाद का क्या होगा, मुझे औलाद का सोचना, मेरी औलाद के लिए मैं कर रहा हूं ये ही। और लोग भी तारीफ करेंगे, वाह बहुत अच्छा बाप था कि ये सब कुछ करके गया। लेकिन कुरान ये कह रहा है अच्छा बाप वो है जिसने अपने मरने से पहले अपनी औलाद के ईमान की फिक्र की, अकीदे की फिक्र की, कुरान की तालीम और इस्लाम की तालीम की फिक्र की, इससे अच्छा बाप हुई। एक नबी पूछ रहा अपनी औलाद को, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ये कोई पूछने नबी है, जब उम्मत और इंसानों को दावत दी तो क्या अपनी औलाद को दावत नहीं दी होगी, जरूर दी होगी, लेकिन फिर भी उसको फिक्र है तो अपने औलाद के अकीदे और ईमान की फिक्र है। हमें भी अपने मरने से पहले पहले अपने औलाद के कुरान की तालीम और बच्चों के ईमान की फिक्र करनी है, वरना कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा और ये औलाद गिरेबान पकड़ेगी कि हम इस लाइक नहीं के पढ़ते, तुमने हमको क्यों नहीं पढ़ाया, और अगर पढ़ा दिया तो आपके लिए जब तक ये दुनिया में रहकर औलाद कुरान पढ़ेगी पढ़ाएगी पूरा सवाब ऑटोमेटिक आपके पास ट्रांसफर होकर आएगी। और ये दौर जो है, ये हालात, इसमें तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहले अपने बच्चों को हम कुरान और दीन और ईमान पढ़ाते। देखो आपने सुना था दो चार साल पहले से मेहनत हो रही है, बल्कि अभी तो खूब मेहनत तेज हो गई कि इनको मुर्तद बना दिया जाए। ईसाई मिशनरी काम कर रही है, कई हॉस्पिटल और दवाखाने खोलकर, कई गद्दे बिस्तरे देकर, कई मुफ्त राशन देकर, वो लोग आपके बच्चों के लिए स्कूल की तालीम फ्री करके अपने हमारे ईमान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कुछ हमारे इस्लामी फिरके का नाम लेकर, जैसे कादियानी वगैरह, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं कि मुसलमान ईमान से कैसे हट जाए। ये मेहनतें हो रही है, दरमियान में घर वापसी के नाम पर मेहनतें हुई, अभी भी बहुत जबरदस्त अंदाज में इन बच्चों को मुर्तद बनाने की और हमारे समाज को काफिराना अंदाज में तब्दील करने की मेहनत हो रही। स्कूल की जो बुक है इब्तदाई, जो लैंग्वेज और जो ज़बानें सिखाती है, उन लैंग्वेज को जो पढ़ने वाले लोग हैं अंदर, जिन्होंने आज से 40 साल 45 साल पहले पढ़ी थी, वो जरा आए इस दौर के बच्चों की स्कूल की बुक उठाए, जो लैंग्वेज सिखाती है, जो ज़बान सिखाती है, दोनों का मुवाजना करें। आपने क्या सीखा था, आपने क्या पढ़ा था, और आज के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इनके दिमागों में
बहुत खामोशी के साथ कुफ्र और जहर भरा जा रहा है, इनके जहनों में इस्लाम से नफरत भरी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन बच्चों को स्कूल पढ़ाना छोड़ दें, नहीं पढ़ाना है, लेकिन पहले कुरान करीम पढ़ा। रात के जलसे में भी मैंने एक वाकया सुनाया था कि यूपी के किसी इलाके में बंदर बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा बंदर हो गए, जहां रोटी पकाकर रखते बंदर आकर झपट लेते, साफ कर लेते, लोग परेशान हो गए। लोगों ने अपने मुखिया को बुलाया, मुखिया को बुलाया कि ये बहुत ज्यादा आतंक हो गया है, ये आतंकवादी लोग है, बंदर त्रास फैला रहे हैं, इनका कुछ करो। मुखिया साहब ने जब मीटिंग की और मशवरा ये किया कि कल सब लोग रोटियों पर जहर लगा दे और छप्परों के ऊपर रख दे पकाकर। दूसरे दिन पूरे गांव वालों ने, काशीबाड़ी वालों ने क्या किया, रोटी पर जहर लगाया और छप्परों पर डाल दिया। बंदर आए, देख के हैरान कि क्या बात है, इंसान इतना मेहरबान हो गया, कल इसके घर में खाने जाते थे डंडे लेकर दौड़ रहा था, मारने दौड़ते थे, पत्थर मारते थे, और आज छप्परों पर हमारी खिदमत करने आया, दाल में काला है आज, है गड़बड़ है कुछ, नहीं खाया वो लोगों ने भी परेशान। वो लोगों ने भी अपने मुखिया को बुलाया, उनका मुखिया भी आया, बड़े मुस्टंडे बंदर, उन्होंने इशारा कर दिया सब बैठ जाओ, मेडिकल वाले बंदर आ रहे बड़े बड़े, वो सारे बंदर आए, रोटी तोड़ी सूंघी, देखो ये लेबोरेटरी उनकी, हमारे यहाँ तो चेक करना हो कि जहर है कि नहीं है तो मेडिकल वाले ले जाएंगे, पांच दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, वहां तो कयामत आ जाएगी, वहां वो तो फौरन सुन लिया, इशारा हो गया सब बैठ जाओ, सब इंतजार में बैठे। वो बंदर जो आए थे जंगल गए, वहां से पत्ते और कुछ टहनियां तोड़ कर ले आए, इधर सबको तकसीम कर दी। अब एक एक हाथ में वो टहनी और पत्ते और एक एक हाथ में रोटी, सब खा रहे हैं, पत्ते रोटी खाकर सारी रोटियां खत्म कर दी। इंसान इंतजार में कि अभी मरेंगे, अभी तड़पेंगे, लेकिन एक बंदर न मरा, दूसरे दिन सारे हाजिर, समझ रहे हैं आप। तो वो जो जहर खाया उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जहर की दवा, जहर का उतार वो दरख्त और वो पत्ते की टहनियां थी। आज दुनिया में कुफ्र का जहर फैलाया जा रहा है, हमें डर कर उन चीजों को छोड़ना नहीं है, हमें उसको भी लेना है, लेकिन उसका उतार, उसका तिरिया, उस जहर का इलाज कुरान करीम है। इसको एक हाथ में ले लो, ये जब कुरान को उतार लेंगे अंदर, कुरान से ताल्लुक हो जाएगा, तो फिर कुफ्र का जहर असर अंदाज नहीं होगा। यही जब कुरान आया तो वो लोग जिनके दिलो दिमाग में कुफर भरा हुआ था, इस्लाम कबूल कर लिया कि नहीं कर लिया। हजरत उमर कुरान की एक आयत सुन ली, हालांकि अल्लाह के नबी को मारने जा रहे थे, किसी ने कह दिया जाओ अपने घर की खबर लो, जब घर आए तो बहनों और बहनों ही कुरान पढ़ रहे थे, आयत कौन सी दिमाग में उतर गई, सुन ली किवाड़ और दरवाजे के पीछे से, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ये आयत पाक सुन ली हजरत उमर ने, कुफ्र का पत्थर पिघलना शुरू हो गया, और फिर मारा पीटा, और फिर कहने लगे क्या पढ़ रहे थे मुझे बताओ। बहन भी हिम्मत वाली थी, जिस खत्ताब का बेटा उमर था उसी खत्ताब की बेटी फातिमा भी तो थी, फौरन आंखों में आंख डालकर भाई से बात कर दी, तू इसको हाथ लगाने के काबिल नहीं, तू नापाक है, पहले पाक होकर जाओ। अब जब पाक होकर आए, कुरान करीम दिया, कुफ्र का पत्थर आंखों के रास्ते से पिघल कर आंसू बन के बाहर निकल गया, और अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंच कर जो सर लेने गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो अपना सर देकर आया। ये है वो कुरान करीम जो ईमान को बचाता है। अगर हमने अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान करीम पढ़ा दिया, कुरान दे दिया, हमारे घरों में हमने कुरान की तिलावत की रिवाज डाल दी, आदत डाल दी, इंशाल्लाह
इन कुफारों की ये जो तदबीर है ये हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। मैं मुबारकबादी देता हूं इन मदरसा के कायम करने वाले लोगों को, दुनिया के सबसे अच्छे लोग, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमहु। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन लोग वो है जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कुरान को पढ़ाते हैं, इनसे अच्छे कोई लोग नहीं। ये मदरसे जिन्होंने कायम किए आप इनको बोझ न समझो, इनको बोझ न समझो। जब तक ये मदरसे सलामत है आपकी बस्ती सलामत है। बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद में बैठकर कहता हूं जब तक आप मदरसाओं को कायम रखेंगे और यह बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम जब तक पढ़ा जाएगा आपके खेत में उगता रहेगा, आपकी तिजारतों में बरकत होती रहेगी। जिस दिन मदरसे बंद होते याद रखो आपके चूल्हे बंद हो जाएंगे बड़ी जिम्मेदारी से। एक दो वाक्य बात सुना खत्म कर दो बात। एक जगह के ऊपर मदरसा कायम था, मदरसा में गल्ला और अनाज खत्म हो गया। जो मतबख यानी किचन के जिम्मेदार थे वो मोहतमीन साहब के पास गए और कहा हजरत पैसे खत्म हो गए तनख्वाह देने के और गल्ला भी खत्म हो गया, बच्चों को छुट्टी कर दो, क्या खिलाएंगे इनको, खाने की पिलाने का कुछ नहीं है, उस्तादों को देने की तनख्वाह नहीं है। मोहतमीन साहब भी बड़े अजीब थे, कहने लगे जाओ कोई अच्छा बेहतरीन पढ़ाने वाला कारी ढूंढ कर ला। तो नासिर साहब कहते हैं कि ऐसा लगता बूढ़े का दिमाग ठिकाने नहीं है, मैं कह रहा हूं पैसे नहीं है गल्ला नहीं, और ये कहता कारी साहब ले आओ, अच्छा अच्छा कारी तो अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी, बूढ़े का दिमाग ठिकाने या नहीं। अगर मैं आपसे कह क्या रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं, आप कह दिया जाओ कारी साहब को ले आओ। अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना उनकी तो उल्टी भी सीधी हो जाती है। अब इन्होंने देखा कि मोहतमीन सिद्दी है कमबख्त मानने वाला नहीं है, ढूंढना ही पड़ेगा कोई कारी साहब। अब ये ढूंढने निकले, तलाश करते करते देखा एक कारी साहब ऐसे किसी मदरसा से छूटे हुए थे आकर बैठे थे घर पर, ये पहुंच गए उनके पास और कहा कारी साहब बात ऐसी ऐसी है, मैं तो कहने गया था क्या मोहतमीन साहब को, और वो कह रहे कारी साहब ढूंढ लाओ, मैं आपके पास आ गया पता चला, तो चलिए आइए आप हमारे घर काशीवाड़ी के मदरसे में आप आ जाओ ना पढ़ाने के लिए। कारी साहब ने भी देखा घर में फुर्सत से बैठा हूं, बेहतर है कि चला जाऊं। कारी साहब तैयार हो गए, तो नाजिम साहब कहने लगे तैयार तो हो गए लेकिन सुन लो तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसे नहीं है मदरसा में, पैसे नहीं है तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको। कारी साहब ने कहा अभी भी कौन से मिल रहे हैं, फुर्सत में जो घर में बैठा हूं, आज नहीं तो छह महीने के बाद मोहतमीन साहब लाके देगा कि इसे मिलेंगे। आज नहीं तो कल ये कहीं से तो देगा लाकर, चलो चलते हैं। आ गए कारी साहब, कारी साहब ने बच्चों को बुलाया, कुरान करीम उनका सुना, तो देखा गलतियां बहुत थी, अब अच्छे अंदाज में मश्क कराई पढ़ाया बेहतरीन अंदाज में वो बच्चे कुरान पढ़ते हो गए। उसकी बरकत का नतीजा ये हुआ कि अब चंदा करने और मांगने जाना नहीं पड़ रहा, लोग देने के लिए आ रहे, लोग देने के लिए आ रहे, पैसे लेकर आ रहे, अनाज और गल्ला लेकर, इतना लाए इतना लाए कि अब वो नाजिम साहब हाथ जोड़े के हजरत मना कर दो रखने की जगह नहीं है। ये है कुरान करीम और उसकी तालीम, बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं बस्ती वालों आपके चूल्हे जो जल रहे हैं, आपके घरों में जो माल और दौलत और बरकतें नजर आ रही है, आपके खेतों में जो पक रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह आपकी बस्ती में जो कुरान करीम पढ़ा जा रहा है उसकी बरकतें, ये उसकी बरकतें हैं, कुरान करीम की बरकत है। न मानो मदरसा बंद करके देख दो बस्तियां उजड़ जाएगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मदरसे दीन के किलाए हैं, ये सलामत तो बस्ती सलामत, ये उजड़ गए तो तुम उजड़ गए।
इसलिए आज फैसला करके उठें, हमें अपने औलाद को कुरान की तालीम देना पढ़ाना है, और उसमें भी बेटियों को पहले नंबर पर, बेटियों को पहले नंबर पर, इसलिए कि बेटी कल की माँ होगी, इसकी गोद बच्चे की सबसे पहली स्कूल, बच्चे का सबसे पहला मदरसा, बच्चे की सबसे पहली तरबियतगाह माँ की गोद हुआ करे। इसलिए कहते मर्द पढ़ा तो अकेला अकेला मर्द ही पढ़ा, लेकिन औरत पढ़ी पूरा समाज पढ़ गया। ये पढ़ेगी, इसके बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएगी, नानी बनेगी नवासों को लेकर बैठेगी, दादी बनेगी पोतों को लेकर बैठेगी, वरना दादे अब्बा को तो फुर्सत है नहीं। जरा ईमानदारी से देख लो, हमारे समाज के अंदर माएं जितनी फिक्र करती है तालीम की, अब्बू इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी फिक्र वो नहीं करती। इसलिए इन मदरसाओं को अल्लाह ताला का इनाम समझे, अल्लाह की कदर करे, और अपने माल से खूब मदद करो, जितना थोड़ा दोगे अल्लाह ताला आपकी बरकत, आपके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए, आपकी बस्ती को आबाद कर देंगे अल्लाह ताला, बहुत खुश नसीब है आप लोग भी। और देखो दुनिया के अंदर लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता था उस वक्त कहते थे अरब लोग जो काफिर थे कि तालियां बचाओ सीटियां बचाओ चीखें मारो कुरान की आवाज दब जाएगी, लेकिन दबाने वाले दब गए, बेनामो निशान होकर रह गए, और कुरान वैसा ही जवानी के साथ बाकी है, और ये पागलों को याद करने में लगा दिया, पागलों को याद करने में लगा दिया है अल्लाह ताला ने, जबकि इनके वालिदैन को मालूम है कि बड़े होंगे तो तनख्वाह कितनी मिलेगी, सब बुराई भी करते रहते हैं, मौलवी है तनख्वाह कितनी मिलेगी, फिर भी आगे मदरसा पढ़ा रहे, फिर भी पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह ने असल में पसंद कर लिया इनको कुरान करीम के याद करने कराने के लिए, मैं और आप कितना भी रोकें अल्लाह भेज देंगे। एक बच्चा ऐसा ही शौकीन हाफिज होने के लिए तैयार हुआ, उसके घर वाले मना करने लगे कि नहीं, हत्ता के वालिदैन ने और रिश्तेदारों ने मार पिटाई शुरू कर दी कि हिफ्ज करने का जो जज्बा ये खत्म कर दो, हमें हाफिज नहीं बनाना है तुम्हें, हमें बिजनेसमैन बनाना है, हमें तुझे व्यापारी बनाना है, हमें मिस्टर और मास्टर बनाना है, ये हाफिज वाफिज नहीं बनाना है, निकाल जज्बा शौक निकाल, और खूब पिटाई धुलाई हो रही है। उसके चचा ने पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया, जब तक तौबा नहीं करेगा निकालेंगे नहीं और खाना भी नहीं देंगे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने यह वाकया नकल किया। अब कमरे में बंद कर दिया, एक दिन हो गए दो दिन हो गए खाना नहीं, तीसरा दिन आधा ढाई दिन हो गए, उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया, चचा कहने लगा देखा दिमाग ठिकाने आ गया, ढाई दिन में न खाना न पानी कुछ नहीं, दिमाग ठिकाने आ गया है इसका, खोलो दरवाजा देखें। कहा क्यों मियां, ढाई दिन में दिमाग ठिकाने आ गया, हाफिज न होने का फैसला करके निकले अंदर से? अल्हम्दुलिल्लाह ढाई दिन में हाफिज होके निकलना, ढाई दिन में हाफिज होकर बाहर आ रहा हूं, रात दिन सोया नहीं कुरान याद किया है, मेरे अल्लाह ने मुझे ढाई दिन में कुरान याद कर दिया। ये है कुरान का मौजज़ा, ये है कुरान करीम का मौजज़ा। आज इरादे करके उठे, हमें मदरसाओं को कायम करना है, हमारे अपने मदरसा की बस्ती के मदरसा को खूबसूरत बनाना है, मजबूत बनाना है, इतना अच्छा बना दो कि बच्चे घर छोड़कर मदरसा में रहना पसंद। मदरसे का अपना कोई खजाना नहीं होता, तुम्हारे खजाने ही मदरसे के खजाने हैं, तुम्हारा गल्ला ही मदरसे का गल्ला है। अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी आंखों की ठंडक बनाएगा, नेक बनाएगा, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। खूब मदरसा की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को घर में पढ़ाइए। ये लॉकडाउन ने बड़ा नुकसान किया। अभी जो मैं खास आया हूँ सूरत और गुजरात से, यही चीज लेकर आया कि कोरोना की वजह से बहुत से तादाद बच्चों की कम हो गई। एक जमाना था कि बिहार और बंगाल ये दिनाजपुर पांचीपाड़ा वगैरह के हमारे यहाँ हजार से ऊपर बच्चे होते थे, वो
कुल 1200 बच्चे। आपको ताजुब होगा सुविभाग मदरसा के जहां पर सबसे पहले बिहार बंगाल के बच्चों को एडमिशन दिया गया और ये बच्चे 1200 कुल हमारे यहाँ होते थे, उनमें से 1100 बच्चे कम से कम ये बिहार बंगाल। आज सिर्फ 350 बच्चे। कहां चले गए वो बच्चे? आपके खेतों में गुम हो गए। यहां तो रखे वालिदैन ने अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद और पता नहीं कहां कहां काम के लिए भेज दिए। औलाद सामने थी, मां बाप को तकलीफ भी, भेज दिया। बहुत से बच्चे हमारे यहां सूरत के पढ़ने वाले, सूरत तो आए सूरत, लेकिन वो सूरत न रही, सूरत बदल गई। फैक्ट्रियों में चले गए, कारखानों में चले गए और कपड़े पजामे बदल दिए, दाढ़ियां मुंडवा दी, खड़े खड़े मूतने मांगने लगे। हालत खराब हो गई उन बच्चों की, मैंने देखा दिल रो पड़ा। यही जज्बे ने हम लोगों को मजबूर किया कि हम बिहार और बंगाल का दौरा करें। मैं कटिहार गया, वहां से अररिया, फिर किशनगंज, आज आपकी बस्ती और रात में फुलवाड़ी। ये करके पूर्णिया में भी हुआ और ये करके कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी होगी। आपसे दरखास्त करने आऊ खुदा के वास्ते, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, अपनी औलाद को पढ़ाई तालीम दीजिए, अपनी औलाद को। अगर आप अपने इलाके से निकाल कर बाहर भेजना चाहते हैं तो हम आपकी औलाद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। सुबह बाप वाले, हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, भेजिए आप अपने बच्चों को। वैसे बच्चे जहां पढ़ना चाहिए, जिद भी नहीं कि वहीं जाओ, समझाओ। अगर वो दूसरी जगह जाना चाहते पढ़ाओ, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर भेजना आना चाहते हैं हमारा दरवाजा खुला है, हम इस्तकबाल के लिए तैयार है। आप अपनी औलाद को भेजिए, इंशाल्लाह हम आपकी औलाद का इस्तकबाल करेंगे, पढ़ाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। चाहे वहां भेजो, चाहे यहाँ पढ़ाओ, पढ़ाओ बस अपने औलाद को। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد كما ذكره الذاكرون وصل على محمد كما غفر عن ذكر الغافلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم بہت بڑے گنہگار ہیں بہت بڑے گنہگار اتنے گناہ کیے ہیں کہ کر کر کے یاد بھی نہیں ہے بھول چکے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہیں اللہ لیکن آپ بڑے بخشنے والے ہیں آپ کی مغفرت بہت وسیع اور بہت بڑی ہے اے بڑی مغفرت والے اے وسیع مغفرت والے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے یہ تیرے مبارک بندے بابرکت بندے بہت پیارے بندے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کے پڑھنے والے ان کے صدقے میں معاف فرما دے ان کے صدقے میں گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما ہمیں قرآن اور قرآن کے مکاتب اور مدارس کی اے اللہ قدر اور منزلت کرنے کی توفیق عطا فرما مدرساؤں کی مکاتب کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ امت مسلمہ کو کفر سے اور ارتداد سے بچا ارتداد اور مرتد ہونے سے ہماری نسلوں کی اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما اے اللہ ان مدارس کے لیے اپنے خزانے خیر سے پورا ان کی تکمیل فرما خزانے خیر سے حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ یہ بستی والے صرف یہ سن کر ایک مسافر آیا ہے قرآن کی نسبت پر واقع ہوگی یہ تیرے بندے بڑھے بڑھے بندے اے اللہ یہ صرف قرآن کی باتیں سننے آئے صرف اور صرف تیری محبت میں آئے کچھ کھانا پینا نہیں ہے تیری محبت میں آئے ہیں اللہ
पूरे मजमे को माफ फरमा दे, इस बस्ती पर रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा, खैर और भलाई नाजिल फरमा। इस बस्ती में अल्लाह आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह इनको दीन की तालीम से माला माल फरमा, दुनिया की तालीम से भी माला माल फरमा। हमारी माँ बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जवानों के जवानी की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारिस आबाद फरमा। ए अल्लाह आप राजी हो जाइए, हम सबसे राजी हो जाइए, अपनी जात से हमें भी राजी कर लीजिए। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, हर किस्म की बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, औलाद को नेक बना, शरीफ बना। ए अल्लाह इन बस्ती वालों के रिस्क में बरकत अता फरमा, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा, इनके खेत और बागात में बरकत अता फरमा, सबको इंसानियत और शराफत नसीब फरमा। पूरी दुनिया के लिए दीनी एतबार से इस बस्ती को नमूना बना दे। ए अल्लाह मदरसा को इज्जत की निगाहों से और इसके कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई की दुआएं मांगी है उसमें से हमें हिस्सा अता फरमा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बुराइयों से पनाह मांगी है उससे हम सबको पनाह नसीब फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना नबीयना मुहम्मदन मा हुवा अहलु ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.